वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी जीरो लेवल की क्लास सभी के लिए एक प्रकार से मास्टर क्लास होगी। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा एटीएम कार्ड में भी आपका मास्टर कार्ड होता है ना, और भी बहुत से आपने देखा होगा मास्टर लॉक या मास्टर चाबी। तो ये मास्टर क्लास है सभी के लिए। ये जो हम सवाल इसमें शामिल करेंगे आज, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे और एक प्रकार से मनोरंजक भी होंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है 1/2 + 1/2 × 8, इसका मान क्या होगा। अगर आप लोग जानते होंगे तो ये बोर्ड मास रूल पे डिपेंडेंट है ना, ऐसे कुछ है इसमें, क्योंकि इसमें गुणा का भी चिन्ह है और जोड़ का भी है। तो बोर्ड मास रूल के अनुसार क्या होता है, पहले ब्रेकेट करते हैं, फिर ऑफ, उसके बाद डिविजन, फिर मल्टीपल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले कोष्ठक हटाते हैं, फिर आप वाला पार्ट हल करते हैं, फिर क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ तक घटाना। तो इसमें क्या क्या है, मल्टीपल है और एडिशन है, मतलब कि गुणा और जोड़ है बस। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 1/2 ऐसे उतार लेंगे, इसका गुणा इसमें है तो ये कट जाएगा, आप जानते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, है ना। ये हो गया 4, आगे बराबर कर लो भाई ऐसे, ये बराबर। अब इसके नीचे हम एक छिपा सकते हैं, अब बन गया आपका एक प्रकार से भिन्न। क्रॉस मल्टीपल कर लो भाई, 1 का 1 में 1 हो गया, और बीच में प्लस था तो प्लस, 2 का 4 में तो ये 8 हो गया, और 2 का 1 में तो 2 हो गया, नीचे देखिए 9/2 हो गया, है ना, कितना आसान। दूसरा सवाल देखिए, सभी के लिए है 3/2 का 10 का मान होगा। देखिए ये भी बोर्ड मास रूल पे आधारित है, 3/2 का 10 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने जो है वो ध्यान से देखिएगा, 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कौन सा होगा। देखिए बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी क्लास है बाबू, क्वालिटी चेंज कर ले, बिल्कुल मस्त दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसको करना क्या है, काट देना है बस, आगे बढ़ा करके 3/2 गुणा का चिन्ह लगा देना है, का चिन्ह हटा करके, ये ऑफ मतलब का, तो ये 10 हो गया। अब काट देंगे तो 2 × 5 = 10, और 3 का गुणा जब कर लोगे 5 में तो ये हो जाएगा 15, है ना, बात समझ में आई। अगला सवाल देखिएगा तुरंत इसी बात के बाद में, दो सवाल इसी में और भी आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा इन्हें भी, ये क्या कह रहे हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 18/5 = 1 ऑफ 14+9, इनका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। ऑफ का मतलब होता है का, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करें, फिर हम आपको तरीका बताते हैं कि आप इसे कैसे हल करेंगे। इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इतना दूर में ही इसको हम करके दिखाएंगे। 18/7 ऑफ 14+9, इसकी वैल्यू निकालना है। ऑफ की जगह पे लग जाता है मल्टीपल का निशान, 3 हो जाता है 18/5 × 14+9। आप जानते हैं पहले मल्टीपल किया जाता है बाद में एडिशन, तो ये कट जाएगा, 7 × 2 = 14, तो बचेगा 18 × 2 और +9। इस तरह से आप जोड़ेंगे, 36 में 9, 36 × 4 = 40, 5 = 45, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए राइट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सवाल, 18/4 फिर डिवाइड बाय 36/8, यानी कि 18/4 को 36/8 से भाग करना है। ऑप्शन है, इसका उत्तर पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 9 होगा, चौथा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है बाबू, आप लोगों ने सीख लिया होगा, पहली भिन्न को ऐसे लिख लेते हैं बिना किसी छेड़छाड़ के, कुछ भी बिना किए, फिर क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ ना कुछ करना शुरू करते हैं, और ये गुणा का चिन्ह लग जाता है भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, और दूसरी भिन्न को पलट देते हैं, यानी कि 8 को ऊपर और 36 को नीचे, बस हो गया, नीचे ऊपर काम खत्म, काट लेंगे जो कटेगा, ये 4 × 8 18 × 36 क्या बचा, 2/2 कट जाएगा, देखिए 1 आ गया ना, ऑप्शन नंबर पहला सही।
जल्दी से नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आप सभी के लिए, फटाफट करें, तुरंत देर ना करें, मास्टर क्लास है सभी के लिए, है ना? अच्छा ना, मजेदार है ना? अगले दो सवाल आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से इनका जवाब दें फटाफट, क्या होगी इनके आंसर। पहला सवाल यानी कि पांचवा नंबर का है, 18 × 0.5 + 2, कैसे करेंगे इसको? आप लोग समझते होंगे वर्ड मास रूल को ना, पहले गुणा करते हैं तब जोड़ करते हैं, इसका मतलब पहले हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे बाद में जोड़ेंगे। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दें फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट कमेंट करके बताएं कौन सा सही होगा, जल्दी करें। तो कौन सा होगा ये, क्या करेंगे इसको देख लेते हैं। 18 का 5 में गुणा करना है, लेकिन 0.5 है ना, आपको दशमलव भूल जाना है, तो 18 का 5 में गुणा करेंगे 90 हो जाएगा ना, लेकिन दशमलव भूलने से काम नहीं चलने वाला, एक अंक पर दशमलव था, गुणा करने के बाद में एक अंक पर दशमलव कर देंगे और प्लस 2, ठीक है, इतना हो गया ना, 9 में 2 जोड़ देंगे 11 हो गया, यानी कि 11.0, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, अगर उसके बाद कोई गिनती नहीं है तो, यानी कि इसे आप 11 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही, कोई कंफ्यूजन है नहीं, सबको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसमें भी देखिए गुड़ा ही गुड़ा है, तो हल कर लेते हैं भाई, किसी भी तरफ से करो, कुछ भी करो बराबर होगा। सिंपल में इसको आप काट दीजिए 2 से 1, ये देखिए कट गया, 0. क्या आएगा, ये 0.1 आएगा ना, 0.1 आया। अब ये 0.1 का 0.2 में गुड़ा कर लीजिए, 0.1 का 0.2 में, बहुत से लोगों को काफी आफत होती है इसको गुणा करने में, दशमलव लगा है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बिना दशमलव के गुणा कर देना है, ये गेस करना कि दशमलव है ही नहीं, अगर दशमलव नहीं होगा तो 1 का गुणा 2 में तो सभी कर लेंगे ना, अरे भाई अच्छा वाला लिख लेते हैं ये, 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा, सभी जानते हैं, तो वैसे कर लो ना, 1 का 2 में 2 हुआ, दशमलव 1 अंक पर था, 1 अंक पर, 2 अंक पर दशमलव लगेगा उत्तर में, यहाँ पर हमारे पास 1 अंक है, तो हम 1 अंक और बना लेते हैं इसी में, कैसे बनाते हैं, इसके आगे 0 बढ़ा देंगे और ये दशमलव, यानी कि 0.02, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, जो कि आपको ऑप्शन दिया ही नहीं था ना, है ना, ऑप्शन दे दूं, ये देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं ना, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में बस इतना ही, अगर आप इसी तरह की और भी क्लास चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। 0 लेवल की बेसिक मैथ सिखाने की पूरी 100% गारंटी के साथ हम आपको अगली क्लास जरूर दिखाएंगे। मैं राजकुमार रघुवंशी, बस आज के लिए इतना ही।